गाइस यहाँ पे जॉब कोड है, फर्स्ट जॉब कोड आपको दिख रहा होगा। जॉब कोड एक प्रॉपर मैनर में है, सही तरीके से। स्टार्ट हाँ जी, जॉब टाइटल है दिया हुआ, करते। जॉब रिक्वेशन नंबर है। जो जॉब रिक्वेशन नंबर है, इसमें जॉब रिक्वेशन नंबर क्या है, J29046 है ना, J29046, J26721, J25390, J26721, J25390, ऐसे करके है, ठीक है। आपको क्या लगता है, कुछ ना कुछ तो यूनिक है ना चीजें यहाँ पर, कुछ तो यूनिक चीजें हैं ना, लाइक J2 से। अच्छा, सारे जो रिक्वेशन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, जॉब रिक्वेशन नंबर, ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, J2 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हो, गौर कर रहे हो, सारे रिक्वेशन नंबर एक यहाँ पे J2 से स्टार्ट है, यहाँ भी J2 से, यहाँ भी J2 से, ये देखो यहाँ पे पहले है। आपको स्प्लिट करके और एक इस कॉलम में लेकर के आना है सारे जॉब रिक्वेशन नंबर को। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो है दो ही आएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो ये फोर है तो फोर इसमें आने चाहिए थे, चारों के चारों यहाँ पे जॉब रिक्वेशन नंबर आने चाहिए थे, वो लाने हैं। जो फंक्शन मैंने आपको पढ़ा रखा है वही फंक्शन मैं यूज करूंगा और देखते हैं कितना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, कैसे करते हैं। क्या क्या पढ़े हो आप लोग, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है यहाँ पर। मिड फंक्शन पढ़ा है ना, हाँ जी, मधु और हरीश, मिड फंक्शन पढ़ा हाँ है, जी, हाँ जी, फाइंड पढ़ा है, लेन पढ़ा हाँ है, ये बिल्कुल दो तीन छोटे छोटे फंक्शन है, बिल्कुल ये पढ़ रखा है। अब देखो, फाइंड, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले एक काम करो आप, पता है क्या करोगे। अच्छा, मिड जब फंक्शन यूज करते हो, MID मिड फंक्शन, ये क्या बोलता है, टेक्स्ट दो। सबसे पहले आपने यहां से ले लिया टेक्स्ट, यही टेक्स्ट, इसी टेक्स्ट में से आपको एक्सप्लिट करना है ना, ठीक है। इसके बाद बोलता है स्टार्ट नंबर। अच्छा, एक बात बताओ यार, स्टार्ट नंबर चाहिए सबके लिए तो डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, होगा ना। सबके लिए स्टार्ट नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। सबके लिए, क्योंकि स्टार्ट नंबर अलग अलग है, लाइक जे मिड हमने स्टार्ट कर लिया, J29046 करके है, ऐसे करके हम इसकी 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 पोजीशन फाइंड कर सकते हैं क्या कि नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट वाले की J2 से, J2 इस J की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलो यहाँ पे मैं फाइंड हाँ करता हूँ बिल्कुल कर। उस J की पोजीशन फाइंड करता हूँ, तो इक्वल टू मैंने किया, यूज़ किया फाइंड। फाइंड के बाद अब एक बात बताओ, यहाँ पर टेक्स्ट में मैं क्या दूँ, टेक्स्ट में मैं क्या दूँ, हाँ जी बताइए। हाँ, टेक्स्ट में मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा बताइए, फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है आपको, अभी मैंने बताया ना क्या फाइंड करना है, जे फाइंड करना है। लेकिन एक बार ध्यान से देना, अगर मैंने यहाँ पर जे फाइंड किया, चलो जे पहले फाइंड कर लेते हैं, जे फाइंड कर लिया, कहाँ फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में एंटर किया, देखो जे की पोजीशन बता रहा है। अच्छा, इसमें जो पहला जे मिलेगा उसी का पोजीशन नंबर बताएगा, तो फर्स्ट जे यहाँ पे मिल गया ना इसको जे, तो हमें हाँ चाहिए रिक्वेशन नंबर वाले जे का पोजीशन नंबर, तो ये तो बता रहा है, जरा इसको नीचे करो ड्रैग, ये दिया 28। अब बताओ कि यार इसने इस जे जावा वाले जे को सेलेक्ट कोई का ये बता रहा होगा ना पोजीशन, बताइए जावा वाले का जे का बता रहा होगा ये पोजीशन नंबर, आप इसको कैलकुलेट यहाँ से काउंट कर लो कितने होंगे, तो इसका पोजीशन नंबर बता रहा होगा क्या, 28। मुझे इसका नहीं चाहिए, मुझे जे इस रिक्वेशन नंबर का चाहिए। तो एक काम करो और कुछ दिमाग लगाओ, इसमें क्या यूनिक है, सारे जे के बाद टू है, हो सकता है किसी में डिफरेंट हो, पहले हम देख लेते हैं, सारे जे के बाद क्या है, जे के बाद टू है ना गाइस, दिख रहे हो, सारे जे के बाद टू है, तो यहां पर जहां पे बट जो हमने जावा में लिखा है वहां पे टू नहीं है, कहां पर जो जावा लिखा हुआ है। जावा में टू नहीं है ना, तो मुझे वो तो चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए कौन सा, रिक्वेशन नंबर, इसीलिए ना ये गलत आ गया, इसलिए तो ये 28 आ गया, हमें चाहिए रिक्वेशन नंबर, तो मैं यहां पे करूंगा टू। एक बार देखना, फाइंड किया किसको, J2 को, एंटर करके देखिए तो 31 आ रहा था, इसका 31 करेक्ट है, नीचे जरा एक बार, इसका 28 अभी आ रहा है, इसको नीचे स्क्रॉल करो क्या आएगा, 35, दिस मीन्स इस टाइम ये सही नंबर दे रहा है ना, पोजीशन नंबर करेक्ट है ना,
ये किसका पोजीशन नंबर सर्च किया, J2 को। J2 को एक साथ इसने सर्च किया, पहले इसने क्या किया, J2 को एक साथ सर्च किया और जहां मिला हुआ उसी की पोजीशन नंबर दे दिया इसने। आप समझ रहे हो, यहां पर मैं लिखता हूं पीयूष, समझना पीयूष। अगर मैंने यहां पे किया इक्वल टू फाइंड, ठीक है, और कर दिया फाइंड टेक्स्ट पी, किसमें, इसमें एंटर करेंगे, क्या दे रहा है, वन दिया, क्योंकि पी कैपिटल, ये फर्स्ट वाला पी यहां पर है। अगर मैंने आई कर दिया यहां पे पी आई और एंटर किया, क्या दे रहा है, वन। मतलब कहने का मतलब है अब ये आई का पोजीशन नंबर नहीं बता रहा है, ये पी का ही बता रहा है, लेकिन अब कंटिन्यू ये सर्च कर रहा होगा पी और आई को सर्च कर रहा होगा, ठीक है। ये समझ में आया, हाँ जी, सुनाई नहीं दे रहा किसी को, सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा, तो बोलो, हाँ, सुनाई बोलो, वरना बोलो तो मैं क्लास ही एंड कर दूं, क्या दिक्कत है। तो ये जे टू हमने फाइंड कर लिया। अगेन आप एक बार देखो, ये नीचे तक जाके देखो तो सबकी, देखो यहाँ पे वन दे रहा है, वन क्यों दे रहा है, क्योंकि जे टू आपका पहले नंबर पोजिशन पे है ना, जे टू, ठीक है, यहाँ पे सही है, यहाँ से ये वैल्यू एरर आ रहा है, दिस इज बिकॉज इसमें है नहीं वो चीज़, तो एरर दे रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यही काम हम करेंगे यहाँ पर, यही काम हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, यही फंक्शन फाइंड वाला। देखो क्या करते हैं, फाइंड लगा दिया हमने, स्टार्ट नंबर क्या देना है अब आपको, फाइंड यहां पर J2 फाइंड करना है, कहां पे फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है। गाइस क्लियर है ना, ये वाली चीजें क्लियर हो गई ना, फाइंड वाली, फाइंड हमने क्या किया, क्यों यहां पे यूज किया, इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा 31। तो वो स्टार्ट नंबर कहां से किया, स्टार्टिंग 31 से। अब लेकिन एक और प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम, ये है कि J2 जो है वो कितने कैरेक्टर के हैं, 6 कैरेक्टर के, ये जो रिक्वेशन नंबर है आपका, तो अगर आप यहाँ पे 6 करो तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है, आ गया ना आपका सही आंसर, लेकिन एक बार नीचे जाके देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ नीचे जाके केवल एक ही रिक्वेशन नंबर दे रहा है। अब इसमें तो दो रिक्वेशन नंबर थे, J2, 6, 7 ऐसे करके थे, तो यहाँ पे दो आने चाहिए थे ना हमारे, एक मुझे नहीं चाहिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पे क्या करेंगे, सिंपल आप एक काम कर लो, या तो पूरी लेंथ में से फिर इसको घटा दो, आपको मैंने वो फंक्शन बता रखे हैं, पूरी लेंथ में से आप इसकी इस नंबर को लेस कर दो तो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज कोई एक नंबर पोजिशन दे दो, यही आगे तक 50 नंबर तक कैरेक्टर चाहिए आपको, ऐसा करके आप दे सकते हो ना कि 50 नंबर तक कैरेक्टर चाहिए, क्या देगा, वही देगा आंसर। देखो इसके बाद ये वाली है, पैरेंथेसिस क्लोज है तो वो भी आ गया, नीचे तक करके देखो तो जरा क्या दे रहा है ना सारा आंसर, यहाँ पे आ गया ना, इसके ये चार थे तो यहाँ पे देखो तो कितने आ रहे हैं ना ये चारों, लेकिन इसमें गड़बड़ है, चलो उसको बाद में सॉल्व करेंगे, एक ही बार में हर चीज़ थोड़ी सॉल्व होगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, सिंपल इतना काम कर लिया 50 तक, अगर ये नहीं देना है, अगर ये काम नहीं करना है, तो आप सिंपल देखो क्या करोगे, जाओगे यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन यूज करोगे लेन, क्या इसको इस पूरी लेंथ में से इसकी पूरी लेंथ फाइंड करके ये बताएगा, पूरी की पूरी लेंथ फाइंड करेगा, ये 37 है, देखो पूरी लेंथ में से हमें क्या करना है, आप उसे कौन सा बटन दबाते हो, जैसे ये क्लिक करके बता देता है कि 37 आ रहा है, F9 सिस्टम में कुछ आता ही नहीं है सर, F9 करने से, तो फंक्शन की के साथ F9 करो, फंक्शन मतलब कंट्रोल, नो फंक्शन। तो अभी मैंने क्या बोला, या तो आप काम करो लेन पूरी लेंथ में से माइनस करो, किसको माइनस करोगे, इतने इतने कैरेक्टर को माइनस कर दो इस पूरे को, इतना तो मैंने बता ही रखा है, देखो तो आंसर क्या आएगा, आ रहा है ना। अच्छा ये एक 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 प्रॉब्लम हो गया, ये जीरो हट गया था, एक कैरेक्टर हट गया था, क्यों, क्योंकि ये स्पेस की वजह से, तो इसमें प्लस वन कर दोगे अगर प्लस वन एंड एंटर करोगे तो अब जाके ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, देखो कहीं भी फर्क दिख रहा है आपको, तो वो जो अपने मन से 50 और 60 कर रहा था, देखो यहाँ पे आ गए ना सारे के सारे आपके आंसर, ठीक है। ओके फाइन, एक बार मैं फिर से इसको डिलीट करता हूँ,
और फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इक्वल टू हमने किया क्या, मिड, मिड फंक्शन मैंने बता रखा है, टेक्स्ट मैंने ये ले लिया, अब स्टार्ट नंबर चाहिए, तो स्टार्ट नंबर क्या चाहिए, क्या सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया था कि कोई एक यूनिक वैल्यू देखो जो आपको चाहिए, जे टू से सारे रिक्वेशन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे सारे रिक्वेशन नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ करूँगा फाइंड डबल कोट्स ओपन करूंगा एंड उसमें हम दे देंगे यहाँ पे जे टू। जे टू से क्या होगा कि जे टू सर्च करेगा, जे टू एक साथ सर्च करेगा और जे की पोजिशन नंबर बताएगा कहां पर, इसमें विद इन टेक्स्ट। इतना तक कोई प्रॉब्लम है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, इसको स्पेस करते हैं। अब आता है लास्ट वाला कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए क्या करते हैं, हम इक्वल टू पूरा लेंथ निकाल लेते हैं, इसकी लेंथ फाइंड कर ली हमने 37 में से अगर मैं 31 को लेस कर दूं तो हमारा आ जाएगा ना, जो भी 6 कैरेक्टर होंगे तो 6 आएंगे, 5 होंगे 5 आएंगे, जो भी होंगे आएंगे ना। तो वही काम मैं यहाँ पे किया था क्या, या फिर ना मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ। लेंथ ले लिया, अगेन इसमें से माइनस करेंगे किसको, फाइंड, क्या माइनस करेंगे, स्पेस, कहाँ पर, इसमें से। अब यहाँ पे अगर आपने एंटर किया तो क्या दे रहा है, ओ सॉरी कुछ गलत कर दिया, पूरी लेंथ में से हमने किसकी, अच्छा यहाँ स्पेस नहीं है ना, यहाँ पे जे टू चाहिए, जे टू की, ठीक है। देखो क्या कैरेक्टर दिया, 6 दिया, आपको क्या चाहिए, क्या ये फंक्शन अगर मैं यहाँ पे यूज करूँगा, अगर मैं यही फंक्शन, ये 6 वाला फंक्शन अगर मैंने गौर करना, 6 को अगर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया तो क्या आंसर आएगा, देखो तो आ रहा है ना ये सारा का सारा आंसर, यस सर आ रहा है ना, अगर लेकिन इसको स्क्रॉल कर लो क्योंकि इधर है ही नहीं, तो यहाँ पे कहाँ आंसर आएगा, इसको स्क्रॉल करके देखो तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गौर करना कि एक नंबर जो है ना ये लास्ट वाले ही कैरेक्टर छूट जा रहा है, जे टू, यहाँ पे 5 ही आया है कैरेक्टर, यहाँ पे केवल 5 कैरेक्टर्स आए हैं। सो क्योंकि आपको पूरी कैरेक्टर अगर चाहिए, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस 1 कर देना होगा, अगर आपने यहाँ पे लास्ट में प्लस 1 कर दिया तो ये 7 कैरेक्टर आ रहा है। ये देखो यहाँ पे ये भी ले लिया, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे पूरी डिटेल्स चाहिए, सारे के सारे चाहिए, मुझे थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे हर चीज़ चाहिए, थोड़ी ज़्यादा हो जाए कम नहीं होनी चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, यही काम किया था। तो इसी काम को मैं यहाँ पे जो F2 दिया हूँ इसको खुद से करेंगे, तो J2 के अंदर जितने भी नंबर्स हैं ये सारे 6 ही हैं, तो फिर उसने 0 को क्यों नहीं लिया, वो भी तो 6 ही में आ रहा था। हाँ जी, एक बारी मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, इसने ओनली 0 को ही नहीं यहाँ पे 6 9 को भी मिस किया है। अच्छा गौर करो, इसको स्प्लिट करके देखो जरा, पूरी लेंथ कितनी है इसकी, F9 करते हैं, 44 है ना, 44 है, ठीक है। अच्छा इसमें इसकी फाइंड करो, इसकी लेंथ फाइंड की जरा हम चेक करते हैं क्या आ रहा है, 39 आ रहा है, तो 44 में से जब 39 लेस करोगे, 39 किसकी पोजीशन दे रहा होगा, ये जे की ना, राइट। तो बात बताइए, 9 है, 9 में से आपने किसको लेस किया, जे को, आप ये समझ रहे हो, 9 से किसको लेस किया, जे को, तो एक घट गया ना आपका उसी में, एक कम हो गया, राइट। तो इसकी वजह से हमने क्या किया वहां पर प्लस 1 कर दिया है, ठीक है। Okay. देखो आंसर आएगा, सब बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इस काम को हम ऐसे ना करके, क्योंकि इस पर डिपेंड है ना अभी, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल लेन फंक्शन लगाएंगे एंड लेन फंक्शन में ले लिया हमने ये, पैरेंथेसिस क्लोज, माइनस, फाइंड, किसको चाहिए आपको, क्या फाइंड करना है, जे टू, अगेन यहाँ पे ऐसे हमने कोट्स कॉमा लगाया, कहाँ पर फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है, आई होप समझ में आ रहा होगा चीज़ें, प्लस 1 कर देना है, एंटर करो, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ना कभी कभी होता है, कभी कभी एक्स्ट्रा चीज़ें भी ना काम की हो जाती हैं। देख लो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, कहीं पे ऐसा नहीं तुम्हें लग रहा होगा कोई मिसिंग है, एक्स्ट्रा है लेकिन मिसिंग नहीं है, है कोई मिसिंग, ऐसा लग रहा है कहीं मिसिंग है आपका, नो है। ये देखो ये लाइव डेटा है, ये आज की प्रॉब्लम्स की है, मेरी ऑफिस की प्रॉब्लम थी ये, ठीक है, मैं बिल्कुल लाइव डेटा है और वही मैंने यूज़ किया जो आपको पढ़ाया था, क्योंकि आपको पढ़ाया था तो मेरे लिए इजी हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो फॉर्मूले यूज़ किए हैं इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये डेट ये शीट में शेयर नहीं करने वाला हूँ, मैं केवल
शीट मैंने शेयर कर रखा है, मैं केवल वीडियो इसका शेयर करूंगा, कंट्रोल डी कर दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या हुआ है, जे टू से लिया और ये पूरा का पूरा दे दिया, क्यों? क्योंकि इसमें भैया जे टू स्टार्टिंग पोजिशन तो शुरू में ही मिल गया और फिर पूरे लेंथ में से हमने शुरू के पोजिशन को लेस कर दिया, तो भैया वो पूरे नंबर ऑफ कैरेक्टर दे रहे हैं। हम एक काम करते हैं, थोड़ा हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी हमें। मैं यहाँ पर सबसे पहले इन सब फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, देखो इसमें नहीं है तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे देख रहे हो जे वन से स्टार्ट है, जे वन से ये देखो यहाँ पे अंडरस्कोर है ये, हालांकि जे वन से स्टार्ट है, वो प्रॉब्लम उसके साइड से, मेरे साइड से नहीं है। इसको बाद में भी हम करेंगे कि जे वन वाले को कैसे, देखो जे वन वाला नहीं आया होगा, जे वन वाला नहीं आया ना तो गौर करना, ये सब कुछ यूनिक चीज़ें हैं तो उसको भी हम करना सीखेंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो वो, अभी आगे जब इफ एरर फंक्शन वगैरह पढ़ोगे, इफ एरर फंक्शन पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो अभी उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा एक काम करते हैं, जब कर ही रहे हैं तो यार उसको भी क्यों ना कर लें, है ना, जीवन वाले को भी नहीं छोड़ो, नहीं रहने देते हैं। अब इसको मैं करता हूँ पेस्ट स्पेशल में, वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, सो डैट की जो अभी देखो ये वैल्यू दिख रहा है ना, ये वैल्यू दिख रहा है, हो गया ना वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, बाकी चीज़ों को रिमूव करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पर फिल्टर लगा लिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट की है, और फिल्टर लगाने के बाद देखो यहाँ से ना आप ज़्यादा नहीं है, सबसे नीचे आओगे इधर, तो ये जो सिलेक्शन है, ये सब चीज़ें इसको सेलेक्ट कर लो, जो ये ऐसे वाले हैं, ठीक है? डेटा कम है इसलिए करने में भी अच्छा है, ज़्यादा रहता है तो उसके लिए अलग कुछ हम उपाय करते, ठीक है? तो वो भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको सिलेक्शन को कर लेते हैं। अगेन मैं इसे यहाँ कर लिया, और कुछ है, ये है ये हो गए हैं, यहाँ पे कुछ डेटा है, क्योंकि अभी क्लास उतनी चली नहीं है तो एक्स्ट्रा बताने का कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ तक है, ओके कर लिया। ये सारे डेटा आ गए ना आपके पास, ये सारे ऐसे वाले। यस सर। गाइस एक बात बताओ यार, इसके बाद हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा है, अब आपको क्या चाहिए, शुरू के केवल कितने नंबर चाहिए? अच्छा ये भी नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे क्या चाहिए, शुरू के कुछ 6 नंबर चाहिए ना, 6 नंबर इसमें से। आप लेफ्ट फंक्शन यूज कर लोगे ना यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे यूज किया, सोचो लेफ्ट, देखो कहीं भी हो सकता है कि आपको लाइक प्रॉब्लम हो रही है, देखो तो आएंगे ना ये, यहाँ तक तो सही आएगा, यहाँ भी सही आएगा, आ रहा है ना, सही आ गया ना इसका भी, यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लोगे, क्या है? अगेन यहाँ पर चीज़ें एक्स्ट्रा है तो इसको तो हमें फिल्टर करना ही नहीं था, मैंने फिल्टर कर लिया तो ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको फिल्टर नहीं करना था क्योंकि मैंने ना फिल्टर के टाइम इसको भी ले रखा है, तो इस चीज़ को ना मैं अगेन अनचेक कर लेता हूँ, ठीक है? देखो ये हट गया। अच्छा यहाँ पे अप्लाई करो तो आ गया ना सारा। yes, इसको एक काम करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल करके देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ है, वहीं वहीं पे लगा हुआ है, समझ में आ रहा है, वहीं वहीं पे लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है। मैं बताता हूँ क्या करना है, सिंपल फिल्टर लगाया हमने, अच्छा इसको छोड़ दो, यहाँ पर फिल्टर पे जाओ और यहाँ पे सारे को सेलेक्ट कर रखो और नीचे जाओ और ये ब्लैंक वाले को अनचेक कर लो, आ गए सारे, यहाँ पे लगाओ इक्वल टू दिस एंटर। अच्छा ये थोड़ा सा ना, ये क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, सो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्लियर करना होगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट पे जाना है और वैल्यू पेस्ट कर लेना है। अभी ये देखो वैल्यू हो गए हैं, अब जरा फिल्टर लगा लो यहाँ पर, ये जो आगे की चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये अभी आपको फिल्टर मैंने सिखाया नहीं है, तो अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो डोंट वरी, ठीक है? यहाँ अच्छा इसको ऐसे नहीं ड्रैग कर सकते, इसको करना होगा आपको कॉपी करने के बाद नीचे तक जाना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना, हो गया पेस्ट सारे, ठीक है? अगेन आपको सारे को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, सारा कॉपी हो गया, पेस्ट में जाना है और वैल्यू पेस्ट कर देना है, इसको आप डिलीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप हटा लो। देखो तो डेटा है ना, एक्यूरेट डेटा आपका, कहीं से भी लग रहा है कुछ खराबी है इस डेटा में, वैल्यू एरर को छोड़ के है कहीं से भी कुछ गड़बड़ नहीं है ना, ठीक है?
तो उसमें से सारी जो उसमें हमने फिल्टर लगाया था तो उसमें तो वो वाले आगे होंगे, लेकिन उसको हमने यहाँ पे फिर प्लस कर दोबारा से ऐड कर दिया होंगे ना। हाँ हमने क्या किया, इक्वल टू किया, और ये मतलब कि इसका रेफरेंस दे दिया, जो ई वाले में थे वो यहाँ पे आने चाहिए, बस दोबारा करेंगे। दोबारा बताओ। ओके मैं एक बार पीछे जाता हूँ, यहाँ तक सही था ना, यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोल जेड करता हूँ, फिल्टर लगा के हमने निकाल ली थी वैल्यूज। ठीक है देखो यहाँ पे यहाँ तक सही है, देखो फिल्टर लगाकर हमने ये पूरा वैल्यू निकाल लिया था। इसके बाद क्या कहता है देखो, यहाँ पे इक्वल टू ई एट, इक्वल टू ई एट, तो ई एट की वैल्यू यहाँ पे आ गई थी, हमारा आ गया था। अब जो इक्वल टू ई एट किया तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो अब एक काम करते ना, आप यहीं पे इसको इसको डिलीट नहीं कर सकते, अगर क्योंकि इसको डिलीट करोगे तो यहाँ पे देखो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो गया, इसको डिलीट नहीं कर सकते, तो पहले हम फिल्टर को ऐसे करेंगे, हटाएंगे, और देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ये गौर करो, यहाँ पे नहीं लगाया लेकिन इसके सामने वाले में लगा हुआ है, तो सारे को एक बार सेलेक्ट करो, कॉपी करो, और पेस्ट में जाकर यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर लो, ठीक है। अभी देखो ये वैल्यू पेस्ट हो गया, अब इसको डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज भाई एक बार दोबारा ठीक बताना, मेरा बार बार चला जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। है, इस वीडियो को मैं शेयर करूंगा, उसमें आप देखना एक बार, ठीक है। मैं इसके बाद कुछ और आगे के प्रोसेस हाँ बताता हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरी 9 to 10 ओके की बैच है ना, तो उसमें थोड़ी सी डील हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो वो कर रखा है। अभी मैं बताता हूँ, देखो इसके बाद में क्या है, ये आगे लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको पैरेंथेसिस, ऐसा कुछ है, कहीं 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 पर है, कहीं कहीं पर होगा, तो यार उसको देखो यहाँ पर है, तो आप रिमूव कर लो। क्या रिमूव करने के लिए करोगे, सिंपल ऐसे सेलेक्शन दे दो पूरे को, कंट्रोल एच करो, फाइंड व्हाट, क्या व्हाट फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और इसको रिमूव की रिप्लेस किससे करना है, कुछ भी नहीं देना है यहाँ पे, बस रिप्लेस कर लो, कितने को, 7 जगह थे वैसे, उसको हटा दिया, देखो क्या है, 7 जगह थे जिसको ये हटा दिया, हटा दिया ना। अब जितने भी वैल्यू वाले हैं एंड पे चले जाएंगे, वैल्यू पे किया ओके, जितने भी वैल्यू हैं उन सब में आप कर दो एन ए नॉट अवेलेबल, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड कंट्रोल पेस्ट, आप देखो आपके आपका डेटा कितना सुंदर लग रहा होगा, आप जब आपको रिक्वेशन नंबर इसमें से चाहिए होगा, आप कहाँ से निकाले, आप कहीं से भी निकाल लिए हो, जितना प्रोसेस लगा बताने में उतना टाइम नहीं लगेगा आपको, आप जब खुद से करोगे 2 4 बार कर लोगे, तो देखो है ना इजी है ना, बहुत इजी। इसमें से देखो इसमें कितने भी थे इसने निकाल रखा है, J1 वाले जो होंगे, J1 वाले नहीं आ रहे थे, उसका अलग प्रोसेस, उसका भी मैं बताऊंगा, अब क्योंकि अभी आगे हमने केवल 3 ही फंक्शन पढ़े थे, उसी में मेरा एक प्रॉब्लम, बड़ा अच्छा सा प्रॉब्लम दिख गया, तो मैंने बता दिया। J1 वाले हैं देखो, अब ये है J1 से स्टार्ट, ये आई दिख रहा है आई, मुझे यहाँ पे ए नहीं आ रहा है, J1 से हाँ आना चाहता है, ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया, कुछ हैं जो छूट गया है, लेकिन मैक्सिमम आपको दिख रहे होंगे जो आ गए हैं, है ना। देखो J1 वाले ये छूट गया, ये छूट गया, यहाँ पर सारे आ गए हैं, ये देखो इसमें J1 आ गया हो, क्यों, क्योंकि J2 से सेलेक्ट किया, तो J1 वाला यहाँ पे आ गया हो, देखो है ना, इसके इसमें आ गया ना ये। मैं ये शेयर कर दूंगा,